की जय। परमात्माए सत्संग में कार्य करने वाले में कार्य संसंग करने वाले मानव धर्म की जय।
बाबा हनुमानजींच्या फोटोच्या मागून म्हणजे ती का बरं
हरवली कुंड होती म्हणजे आज इच्छा मनामध्ये इथे म्हणजे आपुलकी आणि एक आतुरता आहे की आपण या ठिकाणी माझ्या आया भगिनी बसलेल्या सेविका जर काळा मनीस राहिला नसता तर पतिव्रतेला शोभा आलेली नसती. 13 आणि 27 ला बैठक होतो या गावचे सेवक सेविका येत नाही. त्या बैठकच्या माध्यमातून का शिकले जातात? आपण जोपर्यंत त्यांच्या वंशात जाणार नाही तोपर्यंत तत्व शब्द नियमित समजणार नाही, तोपर्यंत काही करणारही नाही. म्हणून आत्मरूपिणी बाबा आले आहेत. आमच्यावर किती प्रहार झाला, किती संकट आले, तरी आम्ही बाबांच्या पाठीशी आहोत, मंडळाच्या पाठीशी आहोत आणि हमेशा पाठीशी आहोत. कारण की स्वयंविनारा आत्मरूपी शक्तीच्या माध्यमातून महान त्यागी बाबा जीवजी आहेत, आमची ताई आहे, आमचे मंडळ आहे आणि तुम्ही आम्ही सर्व सेवक आहोत. हे काही नाही करणार आहे. सर्वांना एक दिवस आम्हाला ताईच्यावर जाणार आहोत. त्या हिरो करणारा असो किंवा चांगला असो, कारण की बाबा सांगून गेलेले आहे. अगोदर आत्मबोलाच्या माध्यमातून सांगतात, अगोदरही सांगून गेले आहेत की प्रलय आणेवाला आहे, प्रलय से बचाव. आज आपण ताईला वेळा वाकड्यात बोलतो आणि उद्या आपण आपल्याकडे दुःख आला तर आपण कोणाकडे जाणार आहोत? या मार्गदर्शकाच्या माध्यमातून समाधान मिळत नाही, पण ताईच्या एका सभाने एका रचनेनं आपल्या परिवाराचा अंतकरणाचा साथ होतो. मी प्रत्येक जीवकांना विनंती करतो, कोण काम करते त्याच्याकडे लक्ष नको द्या. मला तत्व शब्द नियमाचे पालन करायचे आहेत. आपल्या गावात आपल्या परिसरात आपल्याला एकटेने राहायचे आहे. म्हणून प्रत्येक जीवकांना विनंती करतो, महान त्यागी बाबा जिंदगी आत्मबोलाच्या माध्यमातून आम्हाला मार्गदर्शन करतात आणि मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून शिवकांना जागविण्याचे कार्य करत आहे. ती ताई हर दिवस शिवक संमेलन मध्ये जात आहे आणि त्या संमेलन मध्ये जाऊन त्यांनी आम्हा सर्व शिवकांना मार्गदर्शन करत आहे. आपण कुठं बसलेलो? आपण कुठं बसलेलो? नक्कीच. मग कोणाच्या मुखातून बाबा हनुमान देव बाबा हनुमान अंधाचंद विचार निघून आले का? नाही. बाळाच्या त्याच्या चाल मनातून आतुरी आलीच नाही, तिच्या डिस्टर्बच नाही हो. हे घरच्या गोष्टी पुरायचं म्हणजे मग तू बसते माझी तू नसती तर माझ्या सासू कशी विचार बनव गोष्टी नाही. आणि या माध्यमातून जेव्हा भक्त पडला भक्तीमध्ये भक्त होतो तेव्हा होलिकाने काय म्हटलं? भाऊ म्हणे तू काय जमा कर, काय लाख जमा कर म्हणे. आणि मग त्याच्यावर मी बसतो आणि भक्त पडणारा घेऊन बसतो म्हणे. होलिका बसली आणि भक्त पडणारा घेऊन बसली, अंगार लावलं, निष्काम आपल्याबरोबर काळ्याचं आणि होलिकाचं जरूर राम झालं तर भक्त प्रल्हाद मेला सभागृह उदाहरण देण्याचं कारण काय हे तुम्ही समजून कर. किंवा भक्तीमध्ये लागलं होतं कुठं? भक्तीमध्ये. आपण एखाद्या हवन कार्यात बसला का नाही तर आपण बाबा हनुमानजी बाबा हनुमानजी या मंत्राच्या जपाला करतो आणि घरच्या बाळाच्या गोष्टी तिथून करतो करतो का? भक्ती. आणि भक्तीपासून काय मिळते? मुक्ती. काय मिळते? काय मिळते? मुक्ती. मानवाला मुक्तीची गरज आहे. कशाची? मुक्ती.
परंतु मानव हा मानवासारखा राहिला नाही म्हणून याला युगाला कलियुग हा नाव प्राप्त झाला. जिकडे तिकडे कसच निर्माण झाला. बाबाने परमेश्वरी शक्ती मिळविण्याकरता दुःखाला दूर करण्याकरता बाबा हनुमानच्या शक्तीचा परिचय देण्यात आला. लताबाईने तुमच्या समोर मार्गदर्शन केलं. त्या मार्गदर्शनामधून तुमच्या पुढे सांगण्यात आला की आधी हा मार्ग बाबाला ही शक्ती प्राप्त झाली. त्यावेळेस तत्व शब्द नियम नव्हते. बाबा हनुमानजीच्या नावाने बाबाने हनुमानजीच्या मंदिरात जाऊन भक्ती मिळत केली. त्याच्यातून कुटुंबाचे दुःख दूर झाले. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महाउंचारी बाबा जुंदे जी को प्रणाम. परमात्माए नमस्कार. उसके आंगन में तुलसी का वृंदावन
अभी आप अभी तुलसी तुलसी का वृंदावन जुटा है उस जमाने में तुलसी का वृंदावन बाबा को और जाने के बाद बाबा ने कुछ योगा पात्र सुन नहीं कह बाबा को ये पात्र सुन नहीं कह रहा भाई शराब बेचा है आप बाबा बोले शराब बेचा है ये तो ऐसे का वृंदावन तो मेरे साइड में दिखाई देता है तुलसी का वृंदावन ये तो मेरे साइड में दिखाई देता है हाँ बाबा बोल बाबा ये आप नहीं कुछ करते चार पर तुलसी का वृंदावन हो बाबा बाल नहीं रोकते के ये शास्त्र बाबा ने बोलते फिर बाबा जाऊंगा यहाँ से किसके घर पर मिलाएंगे किसके घर पर रहे वहां पर वो जाऊंगा गिराने में आया मधुकर गंगा ने बिलवा स्नान कर भोजन का शरीर का सामान लेकर गया वहां पर बाबा बैठ आए हुए ट्रेनों को मार बाबा का हुआ और बाबा बाद में बस है वहां पर खाना वगैरह बजाने में है और बाद में बाबा ने वहां पर भोजन राजुल सीता वृंदावन ऐसे जगह पर बाबा पहले बोल रहे थे ये जगह दैवी शक्ति के नहीं अगर वृंदावन अपने बाबा को देखकर एकदम से याद आया उस दिन बाबा का आया इसका फायदा ऐसे एक पृथ्वी पर जैसे भी मानव धर्म के सेवक कर रहे हैं ये जरा माइक सिटी की पता करेगा भाई ये तो ऐसे कैसे दुखों को लेके स्मार्ट नहीं है कोई बोले वैसे को लेकर स्मार्ट नहीं है और अपने जीवन में सफलता मिली दौर में ऐसे आज इस मात्र कई भी शख्स के मात्र हर बार धर्म के स्वरूप सुख समाधान और इज्जत तो आज इज्जत क्यों मैं तो एक जमाना कैसा एक युग परिवर्तन बोलते हैं अधिक से मार्गदर्शन में बताए युग परिवर्तन और युग परिवर्तन तो आज होगा इससे पहले मंदिर के उपाध्यक्ष उनका भी मार्गदर्शन उन लोगों ने भगवान क्या करा था ये मतलब एक दिन जैविक शक्ति के माध्यम से वो अच्छा ही कराएगा और वो जागरूक कराएगा एक दिन हम रहने से हम लोगों ने कैसे रहना चाहिए कैसे विचार निर्माण करना चाहिए ऐसे ये गाँव बच अभी बाबा पार्टी के इधर उधर बैठ अगर आज पार्टी भाई के अंदर लेके दिख रहे लेकिन पार्टी भाई के जेल की परीक्षा भगवान ने ली और उसके जेल मजबूत रख आज उसके लड़के दिख रहे कि मानव धर्म के सेवक बन लेकिन इंसान इस जीवन सुख और सुख आता है और सुख सुख सब आता है कई इंसान कहीं से कहीं भटक क्योंकि बाबा कह गया पार्थिव भाई इस पर वन भोजन का कार्यक्रम था और वन भोजन का कार्यक्रम के उस दौरे बाबा वगैरह से लेकिन अभी लड़के थोड़ी रास्ता में बचा है ऐसे सुख और सुख ये आता जाता रहता लेकिन यहाँ पर तो सभी मानव धर्म के सेवक बैठे हैं और दैवी शक्ति क्या है इसका परिचय सभी को मिल चुका दैवी शक्ति भला है दीक्षित लेकिन उसके भूल मानव धर्म के सेवक रहते हुए एक मास
जो आपस है वो आपस को मिलता है। भगवान कहते मानो तुम मान मैं देखो रेत कार्य कर फल के निराशा करके मत जिस दिन से मेरे को ले जा देगा उस दिन मैं दिल को अवश्य दूंगा। और भगवान अपन को देता है लेकिन मानव के विचार अजीब रहते हैं। अभी गुरुजी ने तुम्हारे आगे मार्गदर्शन भी बचे कार्य करते की परिवार से कार्य कर पहले के अशिक्षित लोगों ने इस मार्ग को पार लेकिन अभी वही अशिक्षित लोग और अभी युवा जो कार्यकर्ते बनते वही इस मार्ग को आगे नहीं बल्कि पीछे लेके जाते और पीछे न लेके जाने की वजह पर कोई जो इंसान एक शासन के कार्य चर्चा बैठक भक्ति बोल से भक्ति बैठे कार्य में अगर अपना मन और एक छाछ लगा के बैठ तो भगवान उसको किसी भी क्षेत्र में काम चर्चा देने नहीं दे सकते। ऐसे दैवी शक्ति हर शासन वो आत्मंद है और यहाँ पर बैठे हुए हर नर नाग के पास दैवी शक्ति है। ऐसे आकार निर्माण करने वाला जो परमात्मा है उसने आकार निर्माण किया लेकिन आकार के पूरे विकास को निकाल कर फेंक दो। और दैवी शक्ति क्या है इस दैवी शक्ति के सिवा जिस तरह से स्वीकार कर अगर तुम्हारा जीवन मिल गया तो हम लोग भगवान के पास अच्छे मुक्ति भी मिले चरण में जगह भी मिली और चरण में जगह मिलकर हम चाहते हम लोगों को दोबारा पुनर्जन्म ले तो भगवान अपनी कसर के अनुसार इंसान को इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने की भी व्यवस्था ऐसे कार्य करते सब क्योंकि भगवान का किया हुआ अपने पास सब कुछ है। लेकिन सेवक कहते हैं लेकिन भगवान लेके साक्षा और लेके साक्षा ऐसे अपने कर्मों को दूर छो भगवान को अपने अभिचारों को दूर छो अपने विचारों को ऐसे दैवी शक्ति जागृत रहकर सभी नैन आदियों के पास है। मानव जागृति के कार्य करते थे कौन क्या बोलता है उसको बोलने भोगने वाले हजारों रहते हैं लेकिन मानव धर्म की सही बोलने वाले पांच रहते तो पांच वो शेर बन के रहते हैं क्योंकि उसमें क्या रहती है इंसानियत और जिसमें इंसानियत रहती है वो फरिश्ता कहलाता है और वो फरिश्ता सभी बनता है वो भगवान ही उसको मिलता है। ऐसे कार्य करते सब भोगने वाले के तरह ध्यान नहीं दे सकते अच्छे बोलने वाले के तरफ ध्यान देना चाहिए और इस मार्ग को आगे लेके चलना चाहिए। कोई आत्मगुण को मान लिया ना मान किसी के ऊपर अपन जो जबरदस्ती कर सकते नहीं वो उसमें मान लेकिन मानो अपनी मर्जी से अच्छे दिन सर है जब तक हाथ पाँव है तब तक की पट गई है इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गया तो फिर चुप साफ रहेगा इस बोलने का कैसा हुआ था ऐसे वो बोलता है उसको बोल देते इस पृथ्वी पर बहुत से धर्म हो चुके और धर्म रहकर भी साधु संत भी हो गए उन लोगों को भी कम परेशान रहे हो बहुत परेशान रहे हो लेकिन वो अपने कर्तव्य से और अपने कार्य से कभी पीछे मुड़ के नहीं देते इसलिए बाबा भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसलिए बाबा एक ही बोलते हैं कि परवाह नहीं हमें दुनिया हमारे खिलाफ हो रास्ता वही चलेंगे जो सीधा और साफ हो बोलने वाले की दुआ हमारे साथ हो लेकिन परमात्मा का साथ हमसे अलग न हो। अगर परमात्मा का साथ है तो
मानो कितनी अपनी धुन है, लाएगा लेकिन इसके धुन हिलाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं मानो मैंने तेरे को पैगा, इसलिए मानो बात में नहीं चलेगी, चलेगी तो किसके बात में चलेगी, भगवान बात में चलेगी। इसलिए सच कार्य कर और सच कार्य करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। हम जानते हैं बाबा के मार्गदर्शन को टाइम ही होता है, और बेचारे दूर दराज से श्रीपकार से एमके से श्रीपकार जाने के लिए उनको उनके पास टाइम ऐसे। मैं भी टाइम का लिया था रक्त, मैं अपना मार्गदर्शन समाप्त करता हूँ, सब मिलकर अपन जरूर करें। Thank you.